पिछले धारावाहिक में आपने देखा कि कैसे कुछ लड़कियां मासूम छिपकलियों के पीछे पड़ी थी और कैसे उनको बैटल ग्राउंड से मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ा। और इस एपिसोड में कुछ ऐसा आने वाला है जो आपने इस चैनल पे पहले कभी नहीं देखा। जी हाँ, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। जैसे ये ग्राफ आ रहा है, मुझे लगता है ये दोनों को एक ही मान के चल रहा है क्या? ऐसा सारा पैटर्न तो है ना, पैटर्न मेरा कुछ पैटर्न आ रहा है उसका। क्या तेरा प्रोजेक्ट बन गया भाई? ये तो कितना ठंडा है ना, ये तो एकदम एसी जैसा दिखा। हाँ ठीक है, मॉनसून आ गया क्या बाहर? नहीं उसमें तो मुझे समझ में आ गया था, खत्म हो जाएगा। मैं तो लग रहा है फिर अपन को रील भी तो बनानी है ना। रील्स बनाएंगे। बोल करके ना चलो। 3:36 घूमने चलेगी क्या? चल हाँ बताया तुमने। ओके तो 3 बजे के बाद पढ़ाई करने का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ब्रेन फालतू में ज्यादा ग्लूकोज लेगा और 3 बजे के बाद कैंटीन खुली नहीं होती है तो खाने को कुछ मिलेगा नहीं। और अगर तुम भी बहुत टाइम से पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, जस्ट गो आउटसाइड एंड हैव सम फ्रेश एयर। निकल आओ, कुछ नहीं होता। और वीडियो देखते रहना, पर ऐसे वीडियो नहीं रोक देने बीच में। मुझे लगता है जितने भी बच्चे मोटिवेशन करके ये वीडियो देखते हैं ना, उनके पेरेंट्स को पता चलेगा ना, ब्लॉक करेंगे ये चैनल मेरा। वो क्या, मैं खुद अपने बच्चों को नहीं देखने दूंगी? नहीं मजाक करो। अच्छा मैं अब ज्यादा नहीं बोलती, सॉन्ग एंजॉय करो। कॉपीराइट क्लेम लगा इस पे, प्लीज जितना ज्यादा हो सकता उतना ज्यादा एंजॉय करो, नाच लो साथ में भले। पुलिंग एन ऑल नाइटर इज नॉट डिफिकल्ट। 5 बजे से 7:30 बजे तक जगना इज द रियल स्ट्रगल, क्योंकि 7:30 बजे मेस ओपन होगी, ब्रेकफास्ट मिलेगा, और अगर तुम एक बार सो गए तो ब्रेकफास्ट मिस होगा। तो ये अपना डेली का। तो 10 बजे की लैब कैसे जाएगी ये बताओ मुझे। मैं चली जाऊंगी, मैं ब्रेकफास्ट करके जाऊंगी। देखिए पराठे, अभी पराठे कर लिए, अभी आज 2 घंटे बाद फिर जगह रह गया पराठे पर। जगह रहते हैं मतलब 10 बजे मेरे ये पूछ के जाना है, करके दिल्ली से आके फिर सो जाएंगे। पार्टिसिपेंट्स यू बस, मतलब पराठे के मोटिवेशन से जगह थे वहां भी कट गया। अब डेली का ये भी अपना ऐसा समझ लो। 5 बजे सो के 9:30 बजे ब्रेकफास्ट करके आप 10:30 बजे ऑफिस से आए। क्या गुड मॉर्निंग राइजर्स, गुड नाइट फॉर पीपल लाइक अस।
पढ़ते हुए की वीडियो तो मुझसे बनने से रही, पर पढ़ाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ। तो जेई एस्पिरेंट्स के लिए आना अकेडमी हैज लॉन्च इट्स इवॉल्व बैच 2.0 फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स विच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड फ्रॉम 21st ऑफ जुलाई। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। Also, you can avail a discount of 10% if you use my code NOTHINGNEW. In this course, top educators at Unacademy will be helping you to complete the syllabus of chemistry, physics and maths, and there will be dedicated doubt clearing sessions. So all the details of class dates and timings along with the topics are mentioned on their website. You can just go and check. And then there is Combat Scholarship, jiske bare mein maine pehle bhi bataya tha, for JEE aspirants, where students can compete with thousands of learners in a live exam. And then you will be getting a real-time leaderboard and analysis of your performance. Even in-depth video solutions will be provided by Unacademy educators after the exam. And use my code NOTHINGNEW to enroll for free. If you are interested, you can check the links in the description and get more details about the courses and the exam. And all the very best. Also, I would like to thank Unacademy for sponsoring this video. Bye. ये है असली असली टैलेंट अनन्या पांडे के बाद ये है नंबर टू टैलेंट। मैं अपने नोज को अपने टंग से टच नहीं कर पाती। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। तो हुआ ये कि हम घूमते घूमते हॉस्टल 12 आ गए। अब हॉस्टल 12 में अगर आपने पुराना व्लॉग देखे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे एक 10x10 की दुकान है जहाँ पे दुनिया भर का सामान कैसे तो एडजस्ट किया हुआ है। किसको लगता है कि सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है सारा सामान खरीदने की। जी बिल्कुल सही पहचाना। 1605 कैलकुलेट कर दी, इस पीछे आना ही नहीं चाहिए तो खुद पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये वहाँ पे सबसे फालतू चीज क्या होती है जो कोई कभी नहीं खरीदेगा। एक पेन नहीं है मेरे पास इसमें रखने की तुम्हारे लिए। सिर्फ एक यूजफुल चीज लाया हम कप जो टूट गया उसके लिए। ये अच्छी चीज लाई है। ये मैं थोड़ा ये 75 रुपए का ही मिला। सबसे सस्ता तुम्हारा फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट ओवरऑल चॉकलेट्स के अलावा। इनको अकेले नहीं छोड़ना, इनके खर्चे देख लेना। ये नहीं है अकेले, ये बिल्ले लेके आया है। बिल्ले लेके आया है IIT बॉम्बे के लिए। एंड ये जो बना है ये IIT बॉम्बे के स्टूडेंट्स यूज। आप जितने भी एस्पायरेंट्स हैं आप आएंगे, आपकी मासूमियत अगर मर नहीं गई तो तब बताइएगा। ठीक है 11 बजे डिनर करने के बाद हमारा 11 बजे केपी की बर्थडे ट्रीट खाने का प्लान बन गया। अब बताते हुए भी एम्बेरस फील नहीं होता, उनको पता ही कितना खाते हैं। हैप्पी बर्थडे केपी, बर्थडे केपी। एंड देन वी केप रोमिंग अराउंड टिल 3 or 4, याद नहीं अब। आई एम टेलिंग यू अगेन, दिस इज नॉट द चैनल वी आर लुकिंग फॉर टू गेट मोटिवेशन फॉर स्टडी। चलो अब किस दिन ओ दीक्षा ग्रह एल्पिन नहीं बेटा, वो कैसे ही तो होता है। ऑलरेडी ऑन हो गया, स्टॉप कर इसको। इसके साथ पिट्ठू खेल सकते हैं। कहाँ पर नहीं लेके जाऊंगी इस बार। गया अंदर। आसिम नहीं।
बच गया। बाय।